जी स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड अपना लेसन प्लान जो उनसे है वो बनाएंगे। सेकंड लेसन प्लान बनाने के लिए स्टार्ट में अपना मदरसे का नेम लिखेंगे, फिर रोल नंबर, फिर जमात, फिर मजमीन, फिर अनवान, फिर जिस जमात को आपने पढ़ाया वो, तलबा की तादाद और उम्र, तारीख, वक़्त और स्कूल। हम अपना फाइनल लेसन प्लान कैसे बनाएँ ये आप देख सकते हैं। मेरा 40 लेसन प्लान का रजिस्टर है, तो इन्हीं में से मुझे दो अपने फाइनल लेसन प्लान बनाने हैं। एक मैंने बना लिया हुआ है और सेकंड मैंने बनाना है, तो मेरा माइंड है कि मैं जियोग्राफी में से बनाऊं। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा जियोग्राफी का लेसन प्लान है, तो यहाँ पे मेरा 24 नंबर शुमार वाला आतिशफशां, तो आज मैं इसी के ऊपर अपना सेकेंड लेसन प्लान, फाइनल लेसन प्लान जो है वो बनाऊँगी। तो चलते हैं हम अपने फाइनल लेसन प्लान की तरफ। जो हमने प्रेजेंटेशन वाले दिन डिलीवर करना है, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पे मकासद हैं। इस सबक के मतलिए के बाद तलबा इस काबल हो जाएंगे कि फर्स्ट पॉइंट है तलबा आतिशफशां अमल के बारे में जान पाएंगे। सेकंड पॉइंट है तलबा आतिशफशां की तकसीम और इकसाम के बारे में जान पाएंगे। और थर्ड पॉइंट है तलबा आतिशफशां अमल के असरात के बारे में वाकफियत हासिल कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे मकासद में है। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पॉइंट है तदरीसी मावनत। तदरीसी मावनत में क्या क्या यूज़ होता है? तख्ता, स्याह, चाक, वाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, दरसी कुतुब, चार्ट्स वगैरह। और हमारा थर्ड पॉइंट है तारफ। उस्ताद मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए तलबा की तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश करेगा और बहस व मुबहसे का तरीका इस्तेमाल करते हुए तलबा से चंद सवालात पूछेगा। तो इसमें उस्ताद तलबा से चंद सवालात पूछेगा। फॉर एग्जांपल, आतिशफशां किसे कहते हैं और आतिशफशानी अमल कहाँ वजूद में आता है? ठीक है, इन सवालात के दुरुस्त जवाबात मिलने पर उस्ताद इलाने सबक करेगा कि अजीज़ तलबा, आज हम आतिशफशां अमल के बारे में पढ़ेंगे और अनवान को बोर्ड पर लिख देगा। और हमारा थर्ड पॉइंट है पेशकश। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेशकश। उस्ताद बोर्ड पर एक चार्ट अवेजा करेगा, ठीक है, जिसमें आतिशफशां अमल के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी। उस्ताद अनवान पढ़कर सुनाएगा, फिर तलबा को पढ़ने के लिए कहेगा, बाकी तलबा खामोशी से सुनेंगे और बाद में उस्ताद तलबा को सबक दोहराने के लिए कहेगा। अगर कहीं मुश्किल पेश आई तो सवालात पूछने की तलकीन करेगा। और लास्ट पे है खुलासा। उस्ताद तलबा को बताएगा आज के सबक का खुलासा ये है कि गर्म सियाल मादे मैग्मा की सतह जमीन से बाहर खारिज होना आतिशफशानी अमल कहलाता है। आतिशफशानी अमल के असरात। आतिशफशानी अमल से पहाड़ वजूद में आते हैं। ये पहाड़ लावा की तय बतय जमने से और बार बार आतिशफशानी अमल से बुलंद होता है। आतिशफशां तीन किस्म के होते हैं, एक है जिंदा आतिशफशां, दूसरा खुफिया आतिशफशां और थर्ड है मुर्दा आतिशफशां। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन कर दी गई है। जिंदा आतिशफशां ऐसे आतिशफशां जहां आतिशफशानी अमल जारी व सारी रहता है, जिंदा आतिशफशां कहलाता है। खुफिया आतिशफशां ऐसे आतिशफशां जहां से लावा निकले हुए बहुत अरसा गुजर चुका हो, खुफिया आतिशफशां कहलाता है। और थर्ड नंबर पे है मुर्दा आतिशफशां, ऐसे आतिशफशां जिनसे लावा निकलना बंद हो चुका हो और मुस्तकबिल में मादा निकलने के आसार ना हो, मुर्दा आतिशफशां कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है जायज़ा। उस्ताद जायज़े की गरज से चंद सवालात पूछेगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन है आतिशफशानी अमल से क्या मुराद है। सेकंड क्वेश्चन है आतिशफशानी अमल से क्या वजूद में आता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिंदा आतिशफशां से क्या मुराद है, खुफिया आतिशफशां से क्या मुराद है और मुर्दा आतिशफशां से क्या मुराद है। ठीक है, और लास्ट पे है घर का काम। उस्ताद तलबा को सवालात के जवाबात का होमवर्क करके लाने को कहे और दूसरे दिन तमाम तलबा का होमवर्क चेक करें। और अब हम बात कर लेते हैं, हमने अपना सबके इशारा तैयार कर लिया है, अब अपना चार्ट किस तरह तैयार करेंगे। आप इससे इजीली अपने
फाइनल लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं और इजीली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम अपना सेकंड लेसन प्लान, जो फाइनल लेसन प्लान है, तैयार किया है आतुष पशा, उसका अब हमने सबकी इशारा तैयार कर ली है। अब नेक्स्ट हमारी बारी है उसके लिए चार्ट तैयार करने के लिए। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें एक कलर पेंसिल है और कलर मार्कर है, दर्सी कुतुब है, शार्पनर है, मार्कर है और लेड पेंसिल है, स्केल है। तो अब हम यहाँ पे आतिशफशां के मतलब मवाद अपना जोंस है वो तहरीर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जी, अब हम बात करेंगे चार्ट के बारे में, हमें चार्ट कैसे तैयार करना है। आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल लेसन, मेरे 40 लेसन प्लान में से मैंने फाइनल लेसन प्लान तैयार किया। आप इसका खुलासा देख सकते हैं, आतिशफशां, आतिशफशां की कितनी इकसाम है, जिंदा आतिशफशां, खुफिया आतिशफशां और मुर्दा आतिशफशां, ठीक है। इसी के रिलेटेड मैंने चार्ट तैयार किया है और आप देख सकते हैं ये मैंने स्टार्ट में आतिशफशां बनाया है, ठीक है। ये मेरे चार्ट की लुक है और आतिशफशां की कितनी किस्में हैं, 3, ठीक है। ये मैंने जिंदा आतिशफशां बना दी है और ये मुर्दा आतिशफशां है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, और जिंदा आतिशफशां और लास्ट पे ये मुर्दा आतिशफशां और ये खुफिया आतिशफशां, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मैंने चार्ट में फाइनल लेसन प्लान के लिए चार्ट तैयार किया है और इसको आप देख सकते हैं मैंने किस तरह अभी सिंपल सा वर्क किया है। और अगर इसमें मैं मज़ीद इसको डेकोरेट करूं तो ये इजीली हो सकता है। आई होप आप लोगों को आइडिया मिल चुका होगा किस तरह हम अपना 40 लेसन प्लान में से 40 लेसन प्लान में से अपना सबके इशारे में एक फाइनल लेसन प्लान लिख सकते हैं और किस तरह हम अपने चार्ट को डेकोरेट कर सकते हैं और वह अपने फाइनल लेसन प्लान के बारे में आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।